मैं हूँ निशा और स्वागत है आप सबका फाइनल फैशन हिंदी में। एंड आई नो आज सैटरडे नहीं है बट फिर भी मैं आपसे मिलने आई हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हम सारे लॉकडाउन हो चुके हैं और बच्चे बड़े बूढ़े हम सारे बोर फील कर रहे हैं। हमें नहीं अच्छा लग रहा है कि हम घर में हमेशा बैठे रहे, हम क्या करना चाहिए हमें नहीं पता। वी ऑल आर फीलिंग स्टॉप्ड और हम नहीं जानते कि हम क्या करें, पूरे दिन भर हम कैसे इस समय को यूटिलाइज करें, इस पैनिक सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। तो फ्रेंड हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि या तो हम पैनिक होएं, अपने आप को स्टॉप फील करें, स्टक फील करें, लो फील करें, या फिर दूसरा कि एनर्जाइज हो के बिल्कुल फुल फोर्स के साथ इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करें एंड इस पूरी सिचुएशन को प्रोडक्टिव वे में ले जाए। तो फिर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से ऐसे 10 काम हैं कि आप पूरी फैमिली मेम्बर यदि मिल के करोगे ना तो ऑल ओवर ये सिचुएशन को आप बहुत ही हैप्पीली हैंडल करोगे, इनफैक्ट इन्जॉयमेंट के साथ आपका हर दिन बीतेगा। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी 10th पॉइंट की, क्योंकि फ्रेंड इस भागदौड़ भरी लाइफ में ना हम सब, चाहे हम बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हम सब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। हम लोग अपने वर्क को जाते हैं, वर्क से आते हैं, देन फिर डेली जो रूटीन है एक फॉर्मल रूटीन हमारा बन गया है। हमारे बच्चे भी इनफैक्ट हमें टाइम नहीं दे पाते, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, हमारे पेरेंट्स हमें टाइम नहीं दे पाते और हमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें होती हैं। तो फ्रेंड इट्स अ टाइम टू गेट टुगेदर। आप खुद सोचो, एक ऐसा समय आ चुका है जब ना ही हम मंदिर जा सकते हैं, ना ही हम पार्क जा सकते हैं, इनफैक्ट हम कहीं नहीं जा सकते, अपने घर पे रह सकते हैं, वो भी सेफ से। तो आप खुद सोचो इस सिचुएशन में यदि आप अपने पेरेंट्स को टाइम दोगे तो ये सारी शिकायतें हमें हमेशा रहती है ना, उसे सॉल्व करने का ये बेस्ट टाइम है। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपनी मदर से पूछती थी कि मम्मी हमारे पास तो अभी फ़ोन है, हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बट आप क्या करते थे? तो पता है मेरी मदर क्या बोलती थी कि वो अपने खाली समय में नॉवेल पढ़ती थी। मुझे नॉवेल पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था और जब मेरी मदर, मेरी बुआ, मेरी दादी जब मिलके काम करते थे ना तो मेरी मदर उसी स्टोरी को उन सब के साथ शेयर कर सकती थी। इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना? तो बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठिए और उनसे पूछिए कि वो अपने समय में क्या किया करते थे। आपको पता है आपके पेरेंट्स से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको बहुत सारी स्टोरी मिलेगी और आप खुद फील करोगे कि आज इतनी टेक्निकल लाइफ में हम कहीं ना कहीं खो गए हैं। आप उस चीज़ों को जब जानोगे ना तो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। फ्रेंड दूसरा आप ये कर सकते हो कि अपनी फैमिली मेम्बर के साथ आप गेम खेल सकते हो। बहुत सारे गेम्स हैं इंडोर, जैसे आप कैरम बोर्ड खेल सकते हो, आप चेस खेल सकते हो, आप लूडो खेल सकते हो। इनफैक्ट पहले हम लोग अंताक्षरी खेला करते थे और हमें बड़ा मजा आता था, तो आप उसे रिवाइंड कीजिए, आप फिर से अंताक्षरी खेलिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ। आप वर्ड पावर खेल सकते हो, तो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा इंडल्ज होइए ताकि आपके फैमिली को भी अच्छा लगे और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड, आप इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार हम घर में स्टक हो गए। तीसरी बात, आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देख सकते हो, ऑनलाइन मूवी भी आप देख सकते हो, या फिर आपके पास पहले से आपने मूवी इकट्ठा करके रखा हुआ है बट आपके पास टाइम नहीं होता था उसे देखने का। सो इट्स द राइट टाइम कि आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मूवी देखिए, उनके साथ आप कॉमेडी शोज देखिए, पूरी अच्छी तरह से इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए। बात करते हैं 9th पॉइंट की कि लर्न न्यू थिंग, नई चीज़ों को सीखिए। क्योंकि जनरली क्या होता है ना फ्रेंड कि हम अपने काम में, अपने डेली रूटीन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते ही नहीं है। बट हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन जो इंटरनेट है वो कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, हम जो चाहे वो सीख सकते हैं। तो यदि आपकी इंटरेस्ट कभी रही है म्यूजिक में, डांस में, मैजिक में, प्लेइंग कार्ड्स में, तो आप हर तरह की चीज़ों को अभी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यदि आपको मैजिक सीखना है तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो, आपको डांस का कोई भी फॉर्म सीखना है तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। जैसे अभी मैं घर पर बैठी हूँ और मुझे कार्डियो करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऑनलाइन कार्डियो ऑन करती हूँ और मैं उसे खुद से करती हूँ। तो इस तरह से अभी आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हमेशा रहा है और आप करना चाहते हो बट आपको कभी भी समय नहीं मिला, तो इट्स अ राइट टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। एंड फ्रेंड यदि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है ना तो आप ऑनलाइन बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट दे सकते हो, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना के अपने घर पे हैंग कर सकते हो ताकि फर्दर जब लोग आए और आपको कहें ना कि यार ये तुमने कब बनाया, तो आप बता सकते हो कि इस समय को मैंने इतनी अच्छे से यूटिलाइज किया एंड सी मैंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। तो कम ऑन, स्टार्ट कीजिए ये सारी चीज़ें और ये पूरे समय को प्रोडक्टिव बनाइए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब 8th पॉइंट की, और वो ये है कि अपनी क्लोसेट को, कबर्ड को, अपने वार्डरोब को अच्छे से खंगालिए।
उनको खोलिए, उनसे सारे कपड़े निकालिए। इनफैक्ट आप खुद देखेंगे ना कि बहुत सारे कपड़े आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सोचोगे कि यार मैं तो इसे पहनना भूल गई थी, मुझे ये तो दिखाई नहीं। तो वो सारे अपने कपड़े को निकालिए, अपने ड्रेसिंग सेंस को आप घर पे रखे एक तो इम्प्रूव कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो। अभी आपके पास पूरा समय है, ना ही आपको ऑफिस जाना है, ना ही कोई डेली रूटीन करनी है, तो अभी आप इस तरह से अपने क्लोजेट को साफ कीजिए। आपकी सूरक बहुत दिन से यदि गंदी पड़ी है आप उसको साफ कर सकते हो, अपने फ्रिज को क्लीन कर सकते हो। तो इट्स अ राइट टाइम कि आप ये सारी चीज़ों को करो। एक तो आपका इससे पूरा घर क्लीन हो जाएगा, आपके वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आपके सूरज ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आपका वो जो समय है ना वो बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज होगा। तो आप इस तरह से भी अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। इनफैक्ट ये सारे काम में ना आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हो, अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले सकते हो, अपने हस्बैंड या वाइफ की हेल्प ले सकते हो और मिलकर काम करेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। 7 ये है कि फोन पे अपने सारे रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से आप कैचअप कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है जब आप बाहर नहीं आ सकते हो तो आप फोन से सबका हाल समाचार पूछ सकते हो, सबसे बातें कर सकते हो। बट यस, कभी भी पैनिक सिचुएशन वाली बातें मत कीजिए, हैप्पी रहिए, दूसरे को भी हैप्पी कीजिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से स्टोरी सुन सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते या फिर उनके पेरेंट्स नहीं रह सकते, तो फ्रेंड्स अभी वीडियो कॉल का टाइम है, आप वीडियो कॉल कीजिए उनसे, उसमें उनकी स्टोरी सुनिए, उनकी नई नई कहानियां सुनिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। और बहुत सारे लोग जिनसे आप सोच रहे थे कि यार जब टाइम मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी, टाइम मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी, तो ये बिल्कुल सही समय है। अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल लगाइए, सबको परेशान कीजिए, सबसे मजे में बात कीजिए और देखिए आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये है ना कि गिव अवे द थिंग विच यू डोंट नीडेड, क्योंकि फ्रेंड जनरली क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, आई एम श्योर कि आप लोग सबके यहाँ होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, इनफैक्ट हम उसे यूज़ भी नहीं करते, वो पड़ी रहती है घर में एक कोने में बस एक कूड़े की तरह। तो ये बिल्कुल सही समय है फ्रेंड, उन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कीजिए, अलग कार्टन में पैक कीजिए और आप चाहें तो जब ये पूरा सिचुएशन अच्छी तरह से हैंडल हो जाए ना तो आप उसे गिव अवे कर सकते हैं, या तो आप किसी गरीब को उसे आप दान कर सकते हो, किसी ऑर्फनेज में वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, जो फीलिंग होगी ना वो बहुत ही प्यारी फीलिंग होगी, और वो सारी जब जरूरतमंद जब उसे पहनते हैं ना तो खुद में बहुत ही सेटिस्फाइड फीलिंग होती है। तो अभी ये बिल्कुल सही समय है, अपनी सारी चीज़ों को आप खंगालिए और जो चीज़ों का आपको ज़रूरत नहीं है ना उनको आप साइड करके रखिए बाद में जरूरतमंद को देने के लिए। फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ 5th पॉइंट की, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है ना वो उनके लिए समर वेकेशन की तरह हो गया कि यार हमें समर वेकेशन की तरह छुट्टी तो मिल गई है स्कूल की, लेकिन ना ही हम पार्क जा सकते हैं, ना ही अपने हम फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, ना ही गेट टुगेदर कर सकते हैं, ना ही नानी घर जा सकते हैं, ना ही दादी घर जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड ये आपका सबसे ज़्यादा सही समय है कि अपने कोर्स को आप आगे ले जाइए, क्योंकि फ्रेंड एक बात बताओ मुझे, कोर्स जहाँ तक आपके स्कूल में पढ़ाया गया है आपने वहीं तक पढ़ा है राइट? तो जब आप स्कूल को रीज्वाइन करोगे तो आपको वहीं से वो स्टार्ट कराएंगे, तो क्यों नहीं कि घर पे रहे आप तो सारे कोर्स को खुद से कंप्लीट कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने पेरेंट्स का हेल्प लीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर किसी का भी आप हेल्प लीजिए, बट वो सारे कोर्स को कंप्लीट कीजिए। इनफैक्ट आपको पता है कि जब आप रीज्वाइन करोगे ना अपने स्कूल को तो सारे फ्रेंड्स आपके बोलेंगे यार तुमने ये पढ़ लिया, तुमने ये भी कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, बहुत सारे प्रेज मिलेंगे। तो कम ऑन, अपने बैग को पैक करना नहीं है बल्कि उसे खोलिए, नए कोर्स सीखिए। इनफैक्ट यदि आपको कुछ नया सीखने का मन है ना तो वो भी आप ऑनलाइन सीख सकते हो। इस तरह से अपने स्टडी स्किल को बढ़ाइए और इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि रिजुविनेट योर सेल्फ। हमेशा हमें ये शिकायत रहती है कि यार हमें टाइम ही नहीं होता, तभी तो हमारे बाल इतने रूखे हैं, हमारी स्किन ऐसे हो गई है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही समय है, अच्छा सा बॉडी पैक बनाइए, फेस पैक बनाइए, फेस मास्क बनाइए, आप खुद से ही घर पे हेयर स्पा कर सकते हो, आप मैनिक्योर कर सकते हो, पेडिक्योर कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, कम ऑन उसको जाइए देखिए और खुद को पैम्पर कीजिए, रिजुविनेट कीजिए। इनफैक्ट जब सारा सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो जाएगा ना और आप वापस जब वर्क पे जाओगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे यार तुम घर पे ऐसा क्या कर रहे थे जो इतने ग्लो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपने अपने समय को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, वो सारी चीजें की जो आप बिल्कुल ईगरली करना चाहते थे, और आप देखिएगा आपको खुद में बहुत अच्छा फील होगा। फ्रेंड्स बात करते हैं 3rd पॉइंट की, क्योंकि हमें हमेशा लगता है ना कि यार कुछ स्पेशल बनाते हैं, और क्या होता है कि अभी चूंकि हम घर में रह रहे हैं तो हमें लगता है कि चलो चलो कुछ चट्टा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बट प्लीज आप लोग ये
खट्टा और हमेशा अच्छा खाने के चक्कर में ना बहुत सारा ऑयल या बहुत सारे जंक फूड को कंज्यूम मत कीजिएगा घर पे बना के, क्योंकि अभी हम बाहर का नहीं खा रहे हैं तो हम घर पे बहुत सारी ऑयली फूड खा लेते हैं जनरली। तो हमेशा याद रखिए ये जो टाइम है, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी चीज़ें खाइए। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप यदि किचन में चाहे तो नया डिश बना सकते हो। जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि यार अभी तो बहुत काम है, जब कभी छुट्टी होगी ना तो मैं ये डिश ट्राई करूँगी, मैं वो डिश ट्राई करूँगी। तो अभी ये समय है, अपने पापा को पकड़िए, भाई को पकड़िए, हस्बैंड को पकड़िए, उनको किचन लेके जाइए और साथ में मिल के कुक कीजिए। आप देखिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इनफैक्ट इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपसे कोई ना कोई नई डिश जरूर बनेगी जो सबको पसंद आएगी। बट हेल्दी खाना खाइए, बहुत ज़्यादा ऑयली और जंक फूड और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड मत कंज्यूम कीजिए, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हो रखी है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। आज बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अपने फिटनेस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप चाहे तो आप मिलके योगा कर सकते हो या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप एरोबिक, कार्डियो, जुम्बा या फिर कोई सी भी तरह का एक्सरसाइज है जो आप करना चाहते थे। आप सोचते थे कि यार मुझे जब छुट्टी मिलेगी ना तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो इट्स अ राइट टाइम टू डू दिस। आप कीजिए आराम से, बहुत ही अच्छे से इंजॉय कीजिए। और बच्चे, यदि आपको कुछ नहीं करना ना तो सुबह उठिए, गाना स्टार्ट कीजिए और सारे लोग मिल के डांस कीजिए। आपको पता है ये सुबह का जो टाइम आप इस तरह से यूटिलाइज करोगे ना तो थ्रू आउट द डे आपका काफी ज्यादा अच्छा से बीतेगा, आप काफी हैप्पी रहोगे। इनफैक्ट जब ये पूरी सिचुएशन भगवान जी की दया से सारा कुछ अच्छा हो जाएगा ना, तो जब हम अपने वर्क पे दोबारा लौटेंगे ना तो फुल एनर्जी के साथ लौटेंगे, फुल्ली एनर्जाइज होके लौटेंगे, रिजुविनेट होके लौटेंगे। तो कम ऑन, स्टार्ट कीजिए ये सारी चीज़ें और आप खुद देखोगे कि आपको अपने फिटनेस रूटीन में एक तो ये सारी चीज़ें ऐड भी हो जाएगी और ऊपर से आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड एनर्जाइज फील करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्लीज स्टे एट होम, वो भी हमारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी ना कि आप खुद को सपोर्ट कीजिए, खुद की फैमिली को सपोर्ट कीजिए, घर पे रहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने हाथ को आप अच्छे से धुलिए, जो भी आप बाहर से सामान लेकर आ रहे हो ना उसे भी अच्छे से क्लीन करके यूज कीजिए, ऐसे यूज मत कीजिए, इन सारी चीजों का ख्याल रखिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, हैप्पी, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, बाय।